रामलला शुक्ला के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के बहुचर्चित मामले में अंततः रामलला शुक्ला सहित सत्येंद्र शर्मा व यूएस खान के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला दर्ज होने के बाद रामलला शुक्ला की मुश्किलें अब और बढ़ चुकी हैं। इस पूरे मामले को लेकर ईओडब्ल्यू में हुई प्रेस वार्ता के दौरान वीरेंद्र जैन ने बताया कि 2018 से 19 एवं 2020 में तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए गबन का मामला प्राथमिक जांच में आया है, जिसमें वीरेंद्र शुक्ला ने बताया है कि यह सारी राशि जन भागीदारी निधि से स्वयं के खाते में ट्रांसफर की गई है। इस संबंध में रामलला शुक्ला व अन्य ने यह बताया है कि उक्त वित्तीय वर्षों में परीक्षा पत्र तैयार करने एवं मूल्यांकन आदि का मेहनताना उनके द्वारा लिया गया है, जो पूरी तरह से अवैध है। यह भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए स्वयं रामलला शुक्ला ने अपने निजी खाते में ट्रांसफर किया है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। सुन लो पहले आप क्या रहे हो बताइए। ईओडब्ल्यू में टीआरएस कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ में एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। इसमें जांच में पाया गया था कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 दो वर्षों में प्रिंसिपल श्री रामलला शुक्ला एवं कुछ समय के लिए जो यूएस खान प्रिंसिपल रहे एवं सत्येंद्र शर्मा, इन लोगों ने करीब 4.5 करोड़ रुपए जन भागीदारी निधि से स्वयं के खातों में ट्रांसफ़र कर ली। इन्होंने बताया कि जो इन्होंने परीक्षा पत्र तैयार किए उसका मूल्यांकन किया, उसका टेबुलेशन किया, उसके आधार पर इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए अपनी मेहनताना बताते हुए टीआरएस कॉलेज के फंड से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, जो कि अवैध था, और इस पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। करीब 1.5 करोड़ रुपए रामलला शुक्ला ने ही अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं 2 सालों में, और ऐसी जानकारी मिली है कि पिछले 23 सालों से ये अवैध लाभ प्राप्त किया जा रहा था, तो इसकी एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और जांच की जा रही है।